वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में दीपोत्सव का आयोजन किया। 5100 दीपों ने संगमम में अद्भुत छटा बिखेरी। हजारों दीपों से कार्यक्रम स्थल जगमगा गया। बीएचयू, आरएसएस के स्वयंसेवक और काशीवासियों ने मिलकर सभी दीपों को जलाया। तो बनारस से तस्वीरें सामने आई हैं जहां 5100 दीप जलाए गए हैं। काशी तमिल संगमम जगमग नजर आया। कुछ दिन पहले काशी में ही तमिल संगमम हुआ था जहां प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे। उस दौरान तमिल से भी कई लोगों को बुलाया गया था और उसके बाद ये तस्वीरें बनारस से सामने आई हैं जहां पर 5100 दिए जलाए गए, जहां पर वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं, स्वास्तिक बनाया गया है और स्कूली छात्र छात्राएं भी वॉलंटियर्स के साथ यहां पर मदद करते हुए इन तस्वीरों के जरिए देखे जा सकते हैं। तो बनारस से तस्वीरें सामने आई हैं। बनारस की हर एक तस्वीर अपने आप में अद्भुत होती है और ये तस्वीरें सामने आई हैं काशी तमिल संगम जहां पर दीप जलाकर काशी तमिल संगम को जगमग किया गया है। और चलिए अब देखते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। तो धारचूला में लगातार हो रही पत्थरबाजी मामले में एबीपी गंगा के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिसे आप भी देखेंगे तो चौंक जाएंगे। ये तस्वीरें साफ कर देती हैं कि नेपाल की तरफ से हो रही पत्थरबाजी में किसका हाथ है। ये तस्वीरें पुख्ता सबूत हैं कि पत्थरबाजों को कौन कहां से शह दे रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भारतीय क्षेत्र में बन रहे तटबंध पर नेपाल के नागरिक गुलेल से निशाना साध रहे हैं, जिन्हें नेपाली सैनिक ट्रेनिंग दे रहे हैं और पत्थरबाजों का सहयोग कर रहे हैं और भारत के साथ रोटी बेटी के रिश्ते को तार तार कर रहे हैं। भारत और नेपाल सीमा पर लगातार तनाव का माहौल है, लेकिन नेपाल की तरफ से भारतीय क्षेत्र में हुई पत्थरबाजी के लिए अभी तक न तो किसी को पकड़ा गया है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। हालांकि भारत की तरफ से पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी ने नेपाल के साथ सैद्धांतिक सहमति की बात की जा रही है त्वरित कार्रवाई की बात भी कही गई है। हमारे ADM और SDM के तरफ से भी उनके साथ मीटिंग में गए थे और वो लोग भी हमारे पास आए थे, हमारे साइड आए थे मीटिंग के लिए। एक हम मेरे लेवल पे भी कल एक मीटिंग प्रस्तावित है 12 बजे, तो उनके नेपाल की तरफ से उनके ऑफिशियल्स आएंगे और हम लोग उस घटना को उन्होंने भी संज्ञान में लिया है। लेकिन क्या इन तस्वीरों को देख करके जल्दी भरोसा कर लेना ठीक होगा? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।